हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मज़ा मैथ में। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें 3x² डिवाइडेड बाई x^6+1, ठीक है, dx। एक्स के पार्ट में करेंगे, हमें x में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है ये भी पुट करने की है। तो देखो, x^6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं क्वेश्चन को, 3x² / x³ इसका होल स्क्वायर +1, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो हमारे पास x³ है इसको यदि हम लोग t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, हमें क्या मिलता है कि 3x² dx = dt हमें मिलता है। तो देखो, इन सभी वैल्यूज को हम लोग क्वेश्चन में डालते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ से। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन और dx था, यानी 3x² dx की जो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास dt आ जाती है, और नीचे हमारे पास x³ यदि t था तो क्या बन जाएगा, ये t² + 1 इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप जानते हो कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स x, यानी कि तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, t है, यानी tan इनवर्स t प्लस में c हो जाएगा। तो अगर हम t की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, तो tan इनवर्स x³ + c हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें दिया हुआ है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1/1 + 4x² और इसका √dx। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, यानी 1/1 + यानी 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2x को t पुट करते हैं, यानी क्या कि पुट 2x = t, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें क्या मिलता है, 2.dx = हमें क्या मिलता है यहाँ पर, dt मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dt/2, ये वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में डालते हैं, हमें क्या मिलता है यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी dt, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा, नीचे में क्या मिलेगा 1+t² का स्क्वायर रूट हमें मिलता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला खुल के आएगा कि 1/2 में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो कि 1/1 + t² की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कि log ऑफ फॉर्मूला होता हमारा मोड टी प्लस में, यानी कि t² + 1 इसका स्क्वायर रूट आपके पास ये होता है इसका, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास सी, टी की वैल्यू डालते हैं हम लोग वापस, हमें क्या मिलता है कि 1/2 में log ऑफ आपके पास टी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या 2x + में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर, यानी 4x² प्लस में 1 इसका स्क्वायर रूट, और प्लस में क्या आएगा आपके पास सी, ये आपका आंसर होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि हमें इंटीग्रेट करना फंक्शन को, क्या है हमारे पास कि 1/2 - x इस पूरे का स्क्वायर प्लस में 1, और इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ हमें dx दिया हुआ है, ठीक है। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने सेम वैसे ही करते हैं, यानी कि हम लोग 2 - x को हम लोग क्या मानते हैं, टी मानते हैं अपना, तो हमें क्या मिलेगा ऐसे कि -1.dx = dt हमें यहाँ से मिलेगा, यानी यहाँ से dx की जो वैल्यू मिलती है हमें क्या मिलती है -dt, ये वैल्यू जो हम क्वेश्चन पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ जाएगा और dt ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास कि t² + 1 इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देखो, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन इंटीग्रेट किया था सेम वैसे ही करते हैं इसको, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा माइनस में क्या आएगा कि log ऑफ, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस log ऑफ, यहाँ पे मोड स्टार्ट होगा आपके पास, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि t + t² + 1 और इसका क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट, प्लस में क्या आएगा आपके पास c। तो देखो, यहाँ से हम लोग t की वैल्यू डालते हैं, यानी माइनस में log ऑफ आपके पास क्या आएगा कि जो t की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 - x, यानी कि 2 - x प्लस में आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि 2 - x इस पूरे का स्क्वायर प्लस में 1, और इसका क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट, प्लस में क्या आएगा आपके पास सी। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे माइनस है पावर, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं साइड में बताता हूँ आपको। अब आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि जो लॉग की पावर है -1 को मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं इसको देखो कि 2 - x + 2 - x इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो इस जो पावर थी हमारे पास, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर -1 कर देते हैं यहाँ पर और प्लस में सी। अब देखो, पावर -1 का मतलब क्या, नीचे आएगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास कि log ऑफ 1/1 में आ जाएगा आपके पास टोटल टर्म, यानी 2 - x प्लस में। आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि 4 + x² और माइनस में क्या मिलेगा 4x + 1 इसका स्क्वायर रूट, प्लस में क्या आपके पास सी है,
इसको और एलेबोरेट कर सकते हो आप चाहो तो कैसे, यानी आपको क्या मिलेगा कि log ऑफ वन अपॉन में टू माइनस एक्स आपके पास है ही, प्लस में ये क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फोर प्लस वन कितना होता है फाइव, इसका स्क्वायर रूट, और प्लस में क्या आपके पास सी। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दिया हुआ है कि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी वन अपॉन हमें दिया हुआ है कि नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं क्वेश्चन को, यानी हम लिखते हैं क्या कि वन अपॉन नाइन को लिखते हैं हम लोग थ्री का स्क्वायर माइनस में ट्वेंटी फाइव स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग फाइव एक्स पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग जो फाइव एक्स को टी पुट करते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं कि पुट फाइव एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास क्या होगा कि फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा हमारे पास, यानी यहाँ से हम लोग डी एक्स की वैल्यू निकालें हमारे पास क्या आ जाएगी कि वन अपॉन में फाइव इन टू में क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी आएगा। तो देखो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ जो वन बाय फाइव हमारा कॉन्स्टेंट है, यानी ये बाहर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आएगा कि डी टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा कि थ्री का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका होता है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। देखो तो यही फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है कि वन बाई फाइव यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स की जगह टी है यहाँ पर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसका कि साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ए, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास थ्री है, ठीक है, प्लस में सी। अब हम टी की वैल्यू डालते हैं, हमें क्या मिलता है ऐसे कि वन बाई फाइव यानी साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या हमारे पास फाइव एक्स, यानी फाइव एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस में सी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव हमें दिया हुआ है कि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन हमारे पास है क्या कि थ्री एक्स अपॉन में वन प्लस टू एक्स इज टू पावर फोर डी एक्स, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं फंक्शन को हम लोग लिखते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस, इसको लिखते हैं हम लोग क्या कि रूट टू एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और हमारे पास क्या डी एक्स है। अब हम यहाँ पे देखो रूट टू स्क्वायर को टी पुट करते हैं, यानी क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर देखो कि पुट रूट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग टी, तो टू आगे हमारा टू हमारा जो आगे आएगा यानी क्या बन जाएगा कि टू रूट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास डी टी, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग देखें तो एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास वन अपॉन में टू रूट टू डी टी आएगा, ठीक है। ये वैल्यू का हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं हमारे पास हमें क्या मिलता है देखो यहाँ पर कि देखो तीन हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा और टू रूट टू भी हमारा कॉन्स्टेंट है, ये भी हमारा बाहर आ जाएगा, टू रूट टू हमारे पास होगा। इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा कि वन प्लस में टी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास कि थ्री अपॉन में टू रूट टू का कॉन्स्टेंट होगा। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। यानी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास कि टेन इनवर्स एक्स होता है, यानी टेन इनवर्स टी हो जाएगा ये, प्लस में क्या होगा आपके पास सी, यानी यहाँ से टी की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यानी क्या आएगा कि टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी रूट टू एक्स स्क्वायर, यानी रूट टू एक्स का स्क्वायर प्लस में सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमें दिया हुआ है वो क्या है कि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स रेज टू पावर सिक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स के पास सिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और साथ में क्या हमारे पास डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन एक्स क्यूब को हम टी पुट करते हैं, यानी कि क्या कि पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है ऐसे देखो कि थ्री एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हमें मिलता है यहाँ से। तो ये वैल्यू हम क्वेश्चन में डालते हैं हमें क्या मिलेगा ऐसे देखो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
अब ये देखो कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगी डी टी डिवाइडेड बाई थ्री। तो देखो जो वन बाई थ्री यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, इसको हम लोग बाहर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी डी टी हो जाएगी यहाँ पर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कि वन माइनस में टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि वन माइनस टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी वन अपन वन माइनस टी स्क्वायर का, यानी यह आएगा कि वन बाई थ्री पर बस कॉन्स्टेंट होगा, इसके इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, हमें क्या मिलेगा इसका कि वन बाय टू लोग ऑफ आपका क्या होता है कि वन प्लस टी अपॉन में क्या होगा वन माइनस टी इसका मोड, और प्लस में क्या आएगा आपके पास सी। अब देखो हम लोग टी की वैल्यू डालते हैं वापस, हमें क्या मिलता है ऐसे, और वन बाय थ्री इंटू वन बाय टू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा वन बाय सिक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि लोग ऑफ टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स क्यूब, यानी वन प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन माइनस में एक्स क्यूब इसका मोड, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास सी, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें दिया हुआ है कि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन हमारे पास क्या कि एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका स्क्वायर रूट डी एक्स। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करते हैं इस फंक्शन के अंदर, हम फंक्शन को अलग अलग सोल्व करते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं हम लोग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि क्या कि एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर रूट डी एक्स माइनस बीच में, और ऊपर क्या आएगा वन आएगा, यहाँ पर नीचे क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन आ जाते हैं, तो इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं आई वन मानते हैं, ठीक है, और इस वाले फंक्शन को हम लोग मानते हैं आई टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आई वन को सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर रूट डी एक्स। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको हम लोग टी मानते हैं, यानी क्या कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें यहाँ से डी टी, यानी यहाँ से हम लोग एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आएगा कि डी टी डिवाइडेड बाय टू आएगी। इस वैल्यू को हम लोग अपने क्वेश्चन में डालते हैं वापस, हमें क्या मिलता है ऐसे देखो, यानी कि एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी डी टी हो जाएगी, और वन बाय टू हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी ये होगा हमारे पास डी टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास। ठीक है, अब यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या हमारे पास पावर वन बाय टू, यानी कि वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखते हैं हम लोग टी की पावर माइनस वन बाय टू डी टी। ठीक है, तो फर्दर सोल्व करते हैं इसको हम लोग, हमें क्या मिलता है कि वन बाय टू हमारा कॉन्स्टेंट होगा इन टू, अब देखो इंटीग्रेट सोल्व करते हैं हमारे पास क्या होगा पावर प्लस होती है, यानी माइनस वन बाय टू प्लस वन कितना होगा टी की पावर वन बाय टू आएगा, टी की पावर वन बाय टू डिवाइड किससे होगा वन बाय टू से। ठीक है, प्लस में क्या आएगा आपके पास सी वन करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ से वन बाय टू कैंसिल, और टी की पावर वन बाय टू मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट टी, तो टी की वैल्यू डालते हैं हम लोग, हमें क्या मिलता है ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन थी हमारे पास इसका स्क्वायर रूट प्लस में सी वन हमारे पास आता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपना आई टू को सोल्व करते हैं, यानी कि जो हमारे पास आई टू इंटीग्रेशन होगा इसका क्या आएगी वैल्यू, अब सीधे सीधे इसमें देखो क्या है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा, तो देखो यही हमारे पास क्या आएगा इसका कि लॉग ऑफ, ये हमारे पास क्या आएगा कि लॉग ऑफ, यानी मोड में स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास कि एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, और प्लस में सी टू, क्योंकि आप जानते हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में आ जाए तो क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि आई जो हमारे पास इंटीग्रेशन था क्या था हमारे पास कि आई वन प्लस में आई टू था, हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी हमारे पास जो फंक्शन आएगा कि आई वन की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर रूट प्लस में, अब आई टू वैल्यू डालते हैं हम लोग, यानी लॉग ऑफ हमारे पास क्या आएगा मोड में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर रूट प्लस में। अब देखो सी वन प्लस सी टू थे, इसको हम टोटल में क्या लिखते हैं सी लिखते हैं इसको, इसमें एक मिस्टेक हो गई है एक्चुअली, बीच में जो साइन है वो नेगेटिव का है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर एट में हमें दिया हुआ है कि हमें फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सिक्स प्लस ए की पावर सिक्स और इसका स्क्वायर रूट हमें दिया हुआ है। ठीक है, डी एक्स के साथ। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो फंक्शन है इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यानी कैसे कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिखते हैं क्या कि एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस में ए की पावर सिक्स को लिखते हैं हम लोग ए क्यूब का स्क्वायर, और इसकी पावर लिखते हैं हम लोग क्या
इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं किसको, एक्स क्यूब को टी, यानी पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, हमें क्या मिलता है ऐसे कि 3x² dx इज इक्वल टू dt हमें यहाँ से मिलेगा, यानी कि यहाँ से देखें तो x² dx की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dt/3 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग अपने क्वेश्चन में डालते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो जो dt/3 का 1/3 आपको बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा आपके पास x² dx बनेगा आपके पास dt, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा x³, आपके पास वैल्यू क्या थी t थी, यानी कि t का स्क्वायर प्लस में a³ जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी t का स्क्वायर प्लस में a³ इस पूरे का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आपके पास होगा, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है, यानी कि आप 1/3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, अब आप जानते हैं कि 1/x² प्लस में a² इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास कि log ऑफ, हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था फंक्शन यानी x होता है आपके पास यानी t प्लस में a² प्लस x² यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a³² यानी a⁶ इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस में क्या आएगा आपके पास c। हम लोग टी की वैल्यू वापस डालते हैं, यानी कि 1/3 log ऑफ आपके पास क्या मिलता है यहाँ पर, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास x³ थी, यानी x³ प्लस में x⁶ प्लस में a⁶, क्योंकि x³ का स्क्वायर हो जाएगा ना t², तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में c, यहाँ पे उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद।